कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और दोपहर के बज चुके हैं 2 और खाने पीने का आज अभी तक कुछ नहीं बना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सुबह पराठे खा लिए थे तो हैवी सा हो गया था, पनीर के पराठे बनाए थे इसी वजह से, तो भूख नहीं लग रही थी अभी किसी को भी। और बच्चे जा रहे हैं स्कूल, बच्चे लेट आएंगे तो अभी समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ क्या नहीं। घर का जो सारा काम है वो सारा हो गया, झाड़ू पोछे कपड़े वगैरह नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। तो अभी सोचती हूँ कुछ टेस्टी सा और हल्का फुल्का सा बनाती हूँ, क्योंकि भूख भी हल्की फुल्की सी ज़्यादा नहीं है। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, बने रहिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी कर देना, और जो चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो जी चलिए बना लेते हैं। हमेशा हर पल को खूबसूरत बना लो, ताकि जब तुम उसे याद करो तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट हो, आँखों में आंसू नहीं। जी हाँ बिल्कुल, पल चाहे जैसा भी हो, वक्त चाहे जैसा भी हो, लेकिन कोशिश हमेशा ये ही करिए, हर पल को जी लीजिए। हर पल को जीने से ही सुकून मिलेगा, चाहे हम कहीं भी चले जाए सुकून के लिए, लेकिन लौट कर तो घर ही आना है। ये देखिए जी, आज ये लगे हुए हैं हल्का फुल्का सा स्नैक्स बनाने में, और प्याज वगैरह मैंने चॉप करके रख दी थी, उन्होंने बोला था मुझे कि प्याज चॉप कर दिए। तो दाल सेल हैं, दो तरह की दाल सेल है, पनीर वाली दाल सेल है और बेसन वाली, तो ये मिक्स करके इसमें बनाएंगे। आज ना खाना खाने को मन नहीं कर रहा था, सुबह पराठे खा लिए थे इस वजह से, तो बोले कि मैं बनाऊंगा आज, तू खा के देखना। मैंने कहा ठीक है बना दीजिए, हम भी टेस्ट करेंगे, कभी कभी मौका मिलता है, हम तो रोज़ ही खिलाते हैं बना के, तो आज हस्बैंड के हाथ का भी खा लेते हैं फ्रेंड। तो ये देखिए, आपका भी मन कर आए तो आप भी बना कर खाजिए खाइए। और ये देखिए मैंने हरी मिर्च काट दी है और मैं इनकी हेल्प भी कर रही हूँ यहाँ पे। तो इन्होंने दोनों तरह की जो दाल सेल होती है, बेसन वाली भी और पनीर वाली भी, वो उसमें डाल ली है। हरा धनिया डाल लिया है कटा हुआ, तो हरा धनिया ना मैं अक्सर इसी बॉक्स में काट के रख लेती हूँ फ्रिज में, और जब मुझे जितना ज़रूरत पड़ती है इसमें से निकाल लेती हूँ। तो प्याज वगैरह सब कुछ, और एक मैंने हरी मिर्च काट दी थी इसमें, तो ये सब डाल के इन्होंने दो नींबू भी निचोड़ लिए हैं इसमें। तो ये देखिए इस तरीके से बन रही है, लगे हुए आज हमारे पति देव बनाने में, तो अच्छा लगता है कभी कभी। हम तो देखिए रोज़ ही बनाते हैं, रोज़ ही इनको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाते हैं, तो कभी ये बनाए तो मतलब अच्छा लगता है, छोटी छोटी हेल्प भी हो जाती है और लगता भी है कि हाँ। तो ये देखिए मैंने कटोरी भी ला के रख दी कि फटाफट से खा लो, बच्चे जा रहे हैं स्कूल, वो अभी आए नहीं हैं, तो उनकी तभी बनाऊंगी, बना के रखने रख देना। तो ये ना नींबू के रस की वजह से फिर ऐसी हो जाए दाल सेल सीली सीली, तो ये साथ के साथ ही खाने में टेस्टी लगती है, कुरकुरी रहती है। तो अभी मेरी और इनके लिए ही बनेगी, और थोड़ी ये पापा को दे के आएँगे, पापा हमारे पापा जी को भी ना इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। तो ये देखिए जी बन गई है, ये आपको दिखा रहे हैं देखो, और सच में बहुत टेस्टी लगी थी। नहीं अम्मी यार हल्का फुल्का खाना बनाओ, दाल से लाए, इसमें मैंने प्याज, मैंने नहीं इन्होंने बनाई है, प्याज और प्याज मैंने कट दी है चमचागिरी, मतलब हेल्पर ही मैंने करी है और बनाया इन्होंने है। तो प्याज और हरी मिर्च, हरा धनिया और नींबू डाल दिया। देखिए गाइस ये अब आया स्कूल से, 5:30 बज रहे, कपड़े चेंज कर लिया, दूध में ठगर तो तेर लिया। अच्छा 5 बजे है, 5:30 नहीं सॉरी 5 बजे, और हस्बैंड को मैंने दे दिया है दूध, दिए पी रहे हैं गुड़ से। मुझे बनाना था मैंगो से, लेकिन देखती हूँ अगर बच्चे पियेंगे नहीं तो फिर दूध ही पी लेंगे। और ये देखिए यो गुड़ से नहीं पिएगा, गुड़ से इसे पीना नहीं, मतलब ये शक्कर का दूध भी नहीं पीता ऐसे कितना भी कह लो। तो इसका मैं थोड़ा सा गुनगुना सा कर दूँगी, चीनी मैंने डाल दी, चीनी में मीठा करके दूँगी। और छोटा जा रहा है अभी ट्यूशन, वो आया नहीं तब आएगा, उसे दूँगी मैंगो शेक को, उसने मना कर दिया। आम मैंने फ्रिज में रख दिए थे कि ये देखो आम मैंने फ्रिज में रख दिए थे, धुल के ठंडे हो जाएंगे, दूध भी रखा हुआ। तो जी अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं बनाऊँगी तोरी, तोरी मैंने कट करके रखी है क्योंकि मैं दोपहर बनाने वाली थी तोरी, फिर उन्होंने मना कर दिया कि अभी इतनी ज़्यादा भूख नहीं है, हल्का फुल्का सा ही है, तो वो फिर दाल सेल में प्याज और नींबू डाल के वो खा लिए थे। तो अभी मैं फ्रिज में रख देती हूँ, उसे निकाल लेती हूँ और छोप देती हूँ, शाम के टाइम का टाइम है ये शाम का, और जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको दूध वगैरह देते, कुछ बर्तन है इनको कर लेते हैं साफ। तो देखिए तोरी मैंने कट करके धुल के इसमें रख दी थी, अब तोरी छौंक लेते हैं। हम्म,
मैंगो शेक बना के तो ये तेरे लिए बनाऊंगी, अभी रखा है तो उसमें। तो ये देखिए तोरी मैंने छोंक दी है और अभी बेटे के लिए बना रही हूँ मैं मैंगो शेक, मतलब छोटे वाले के और अपने लिए बनाऊंगी और पापा जी के लिए। उन दोनों ने दूध पी लिया था, वो मने कर रहे थे तो उनके लिए दूध कर दिया था मैंने। तो यहाँ पे मैंने आम इसीलिए फ्रिज में रखे हुए थे कि ठंडे हो जाएंगे और दूध भी, तो ठंडा सा ही थोड़ा अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा मतलब ठंडा भी नहीं, आइस वगैरह नहीं डालूंगी मैं इसमें, तो वैसे भी ज़्यादा आइस डाल के ना नुकसान ही देता है। तो मैंने इसमें 3 आम कट करके डाल दिए थे और चीनी डाल दी थी हल्की सी और दूध डाल दिया था और इसको मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड कर लिया था। और ये देखिए यहाँ पे हमारा मैंगो शेक बनके हो गया तैयार। ये इधर मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट कट करके रखे हुए, ये है काजू है, बादाम है और किशमिश है। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया, इसने डलवाया नहीं, ये ऐसे ही खाता है सिंपल ही, मतलब पीता है, इसको ये ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है। तो ये एक गिलास पापा का जाएगा और एक मैंने पी लिया है अपना। और अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों का टिफ़िन मैं कर रही हूँ यहाँ पर तैयार और साथ के साथ अपना पानी भी पी रही हूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ा लेट हो गया था, दवाई ली थी तो तबीयत ख़राब सी चल रही है इसी वजह से। तो मैंने इनका आज लंच में बनाया नमकीन जमे, जमे घर के ही थे तो मम्मी ने तोड़ के दिए थे गर्मियों में जब घर गए थे, भून भून के रख रख के थे मम्मी ने। तो अभी बस मैंने एक टमाटर काटा, एक बड़ी प्याज काटी है और इनको कर लिया है अच्छे से छोंक को तैयार। इसमें सारे सूखे मसाले भी ऐड कर दिए है, देखो प्याज भून ली थी उसके बाद टमाटर और ये सब कुछ मसाले डाल के मैंने कर दिया है इसमें अच्छे से भून कर। और मैंने एक आलू भी, एक बड़ा आलू भी बारीक बारीक सा कट कर लिया था, क्योंकि वो बारीक इसलिए वो जल्दी से गल जाएगा, मोटा नहीं गलेगा। तो ये आलू और जमे जो है एक कटोरी, वो भी इसमें डाल के हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, और जब सब कुछ सारा मसाला मिक्स हो जाएगा और ये भून लेंगे ना, तो फिर इसमें हम ये पानी ऐड कर देंगे। पानी में थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करूँगी, देखूँगी कितना ही ज़रूरत है कितना नहीं। तो ये सारा ही पानी इसमें डल गया था, अभी मैं इसको ढक देती हूँ और इतने बच्चों को देखती हूँ कि तैयार हुए कि नहीं हुए। तो जी ये देखिए बच्चों को मैंने तैयार कर दिया है और अभी इसको हटा के देखते हैं। तो हमारे नमकीन जो है बहुत अच्छे से एकदम हो गए तैयार और बच्चों का टिफ़िन मैं कर देती हूँ पैक। और सुबह की इतनी भाग दौड़ रहती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को लेट ना हो जाए थोड़ा यही रहता है। और यहाँ पे मैं इनकी चम्मच भी रख दूँगी, चम्मच को मैं सिल्वर पेपर में ऐसे लपेट के रख दूँगी, क्योंकि वो ना फिर गंदी नहीं होगी, सिल्वर पेपर खोल के बच्चे खा लेंगे। तो मैंने टिफ़िन कर दिया है दोनों बच्चों का पैक, इसमें को हवा से निकल जाएगी, इतने में इनके बनाना भी कट करके टिफ़िन में रख देती हूँ। तो जी फ्रेंड व्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट भी कर देना प्लीज़। और बस यही थी मेरी आज की दिनचर्या जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मिलते हैं एक और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।